कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने ज्वाली में कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रचार व जन समर्थन जुटाने के टिप्स दिए। ज्वाली के शिवा पैलेस में पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष दिलावर सिंह छोटू सहित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पवन काजल का बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया और ज्वाली बाजार में से पैलेस लब तक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने कहा कि भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में दोबारा फिर पुराने जुमलों को लाकर देश की जनता को अपने माय जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अगर आदरणीय मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री बन गए ना, द्वारा प्रधानमंत्री बन गए, मैं दावे से कहता हूँ पता नहीं डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। ये जो हम बोल रहे हैं पता नहीं ये अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के करेंगे गर्मी जगह भी जरा पैसे बताए बताए रखे होंगे जिन्हें हम बैठ बैठ बताए रखे उनके लागे भी गिरे उनकी भी दी हो 2 लाख की एफडी की हो 50 लाख की एफडी की हो 3 लाख की एफडी का कोई पता नहीं कितना बोला देश को जरूर चाहता क्या देगा चाहे बोला ना सच्चाई चाहे बोला ये तो नोटबंदी हुई ये तो नोटबंदी हुई नोटबंदी से किसको किसको फर्क पड़ा नोटबंदी से गरीब आदमी को फर्क पड़ा नोटबंदी में जिसके घर में शादी थी उसको पूछना नोटबंदी के घर में जिसको कमाई मिली पड़ी थी उसको पूछना जीएसटी हर जो भी किया और एक बात है भाइयों बहनों मित्रों जो इनकी प्लानिंग है प्लानिंग क्या कल मैं अखबार में पढ़ रहा था पांच सालों में 76 अरब रुपया एडवर्टाइजमेंट को दिया 76 अरब रुपया और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल दिया 5 अरब रुपया खर्चा नहीं होता ये सत्ता ये जितने भी ये मतलब आप टीवी लगा के देखो मोदी जी रेडियो लगा के देखो मोदी जी यहाँ पता देखो झंडे लगे होने भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी बड़ी फ्लैक्सा लगी उनके भारतीय जनता पार्टी की लगी है कांग्रेस पार्टी सरकारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी काम करती कांग्रेस पार्टी ये था तो आगे क्या होना थोड़ी देर गए सेंटर की स्कीम चलिए था चुले देते ना कुत्ता कितने का होता चुले देते कि मोदी भी रहती हो रही तब सारा तब ही चला था क्योंकि आगे संधा भाई ये कुंडी होती बोली और रैली होती तभी जीती नहीं संधा जी वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।